मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार जारी है। महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ पहले से ही महाविकास अघाड़ी और बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट में जंग देखने को मिल रही है, लेकिन अब मैदान में उतर आए हैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने बेटे छात्र संगठन के अध्यक्ष अमित ठाकरे के साथ मिलकर अब कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो वह विपक्ष के प्रति लगातार अपनी बात रख रहे हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ही तरफ अपने चचेरे भाई शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर भी उनके सवालों को लेकर यहाँ पर अपनी बात कही। दरअसल आपको बता दें, सर्जरी के कुछ महीनों बाद अब वह एक्शन में आ चुके हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर वह हुंकार भर रहे हैं, और इसी बीच उन्होंने विपक्ष से हटकर एक संदेश भी जारी कर दिया है। एक ऑडियो क्लिप सामने आ चुका है, और इस ऑडियो क्लिप को राज ठाकरे और अमित ठाकरे के द्वारा शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। इसके जरिए आपको बताएंगे कि राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इस क्लिप के जरिए। चलिए आपको बताते हैं कि राज ठाकरे किस तरीके से यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को मजबूत बनाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उन्होंने ऐलान किया है, इस संदेश के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज ठाकरे ने हाल ही में एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए महाराष्ट्र की जनता से सदस्य बनने की अपील की है। राज ठाकरे ने ऑडियो क्लिप के जरिए हिंदुओं के उत्थान और महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है, मेरे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, माताओं के लिए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना हमेशा हिंदुओं के उत्थान और महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे काम को व्यापक बनाने के लिए एक नया सदस्यता पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, और मैं आपसे अपील करता हूं, आप सदस्य बने, लेकिन अन्य भी सदस्यता लेना चाहते हैं। सदस्यता लेने के लिए आप यहां पर एक मिस कॉल दे सकते हैं। उन्होंने नंबर जारी किया है 8860300404 पर। जी हाँ, मिस कॉल देने के बाद आपके फोन पर एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करें। मोबाइल स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, उस फॉर्म को भरें और आप सदस्य बनना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर महाराष्ट्र को एक गौरवशाली शिखर पर ले जाएं, आइए महाराष्ट्र को दुनिया की ईशरा बनाएं, राज ठाकरे ने इस तरीके से अपील कर दी है। मालूम हो कि बीते गुरुवार को पुणे पहुंचने के बाद राज ठाकरे ने नवीपेट स्थित शहर कार्यालय का दौरा किया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। नव निर्माण सेना के सदस्य के रूप में पंजीकृत का काम अब शुरू हो चुका है, और इस पंजीकरण के लिए उन्होंने संदेश जारी कर दिया है, और वह अब एकनाथ शिंदे गुट की मजबूती को देखते हुए, बीजेपी की पकड़ को मजबूत देखते हुए और उद्धव ठाकरे को कमजोर देखते हुए यहाँ पर उन्होंने ये कदम उठाया है, जो विपक्ष के लिए वाकई में यहाँ पर एक बेहद शानदार संदेश साबित होता है। आप कितना सहमत है राज ठाकरे के इस संदेश से, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में जीत किसकी होती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, और उन्हीं चुनावों के लिए इस वक्त रणनीति बनाई जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।